सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी आज हम सब मिलकर इस भव्य समागम का आनंद ले रहे हैं। माता जी की बहुत कृपा है कि उन्होंने हमें गॉड रियलाइजेशन करवाया और बताया कि कैसे हम अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं और औरों की भी खुशी का कारण बन सकते हैं। सत्संग जी एक बार की बात है, एक गांव नदी के किनारे बसा था, तो जब भी गांव वालों को टाउन जाना होता था तो उन्हें वो नदी क्रॉस करके जाना पड़ता था, जिसमें उन्हें बहुत तकलीफ होती थी। एक बार गांव के राजा वहां आए और उन्होंने गांव वालों की तकलीफ देखी तो वहां एक ब्रिज, एक पुल बनाने का ऑर्डर दे दिया। पुल बनकर तैयार हो गया। कुछ महीनों बाद जब राजा फिर उस गांव में गए और उन्होंने गांव वालों से पूछा क्या इस पुल का कुछ फ़ायदा है भी या नहीं, तो महापुरुषों ने कहा हाँ बहुत फ़ायदा है। उन्होंने कहा बताओ क्या फ़ायदे हैं। उन्होंने कहा पहले गर्मी की धूप में तैर कर जाना पड़ता था और बहुत थकान होती थी, अब पुल बनने के बाद उसकी परछाई में तैर कर जाते हैं और धूप से भी बचाव हो जाता है। तो सत्संग जी वो पुल का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो वैसे ही पुल की परछाई में तैर कर जा रहे थे। 65th एनुअल सन समागम में महापुरुषों ने एक एनेक्डोट सुनाया कि एक बार वो अपने दोस्त से मिलने उनके ऑफिस गए, तो जैसे ही वो उनके ऑफिस पहुँचे उन्होंने देखा उनका दोस्त बहुत परेशान लग रहा है, वो बहुत हैसन थे एंड आई कुड मेक आउट कि वो कुछ ढूंढ रहे थे। तो उन्होंने अपने दोस्त से पूछा क्या हुआ, आप कुछ ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने कहा मेरी ऐना गुम हो गई है, मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। महापुरुषों ने कहा अरे आपका ढूंढ रहे हैं, वो तो आपके सर पर ही है। तो सत्संग जी महापुरुषों ने कहा कि वो उसके बाद बहुत हंसे, पर क्या ये कहानी इधर ही ख़त्म हो जाती है? नहीं सत्संग जी, ये इधर ही ख़त्म नहीं हो जाती है। हमारे भी जीवन में हमारा यही हाल था कि हम चारों ओर भगवान को ढूंढते रहे और वो कहाँ मिले, बिल्कुल हमारे अंग संग। एक शायर ने भी बहुत सुंदर लिखा है, ढूंढता था जिन निगाहों से तुझको, ढूंढता था जिन निगाहों से तुझको, तू तो उन्हीं में ही समाया रहा और ये मुझे मालूम ना था, ये मुझे मालूम ना था। सीन्स वुल अ वेरी ग्रेटफुल टू माता जी फॉर हैव इज गिवन ही रियलाइजेशन ऑफ गॉड, अदरवाइज वी विल हैव जस्ट ए वर लाइफ एंड गॉन फ्रॉम दिस वर्ल्ड बिकॉज देर आर नोइंग अबाउट गॉड। दिस इज अ नोन फैक्ट और अ नेशनल फिनोमिनन दैट नेचर चेंज आवर बॉडी विदाउट अस being involved in. See, from a toddler, he become a child. From a child, he become a teenager. From a teenager, he become a youth. From a youth, he become a man or a woman. And you finally grow old. सत्संग जी आज जैसे हम देखते हैं कि हमारा निरंकारी मिशन, ब्लड डोनेशन कैंप, स्वच्छता अभियान, ट्री प्लांटेशन या फिर कोई नेचुरल कलेमिटी ही क्यों ना हो, सबसे पहले नज़र आता है। और जहां माता जी हमें एक तरफ स्पिरिचुअली अवेकन कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हमें सोशल रिस्पॉन्सिबल भी बना रही है। एंड ऑल इज बींग डन टू इंश्योर दैट दिस वर्ल्ड बिकम अ ब्यूटिफुल प्लेस टू लिव इन एंड अ वंडरफुल प्लेस टू माता जी। एंड आई टू प्रे टू माता जी दैट आई बिकम एन ओबेडियंट डॉटर ऑफ माई फादर, अ ब्यूटिफुल चाइल्ड ऑफ माई मदर। बट फर्स्ट एंड फॉर्मर्स आई बिकम अ डिवोटेड एंड अ ट्रू डिवोटी ऑफ माता जी। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।